यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस टॉपर्स मंत्रा पर। और आज का डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का सेशन हम 13, 14, 15 तारीख की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो बिफोर प्रोसीडिंग एट स्टूडेंट्स, लेट मी नो इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन। यस, दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट 3 years in online mentoring upon various edtech platforms. In UPSC, I have appeared twice for the personality test, my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh state services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel IAS Toppers Mantra, आ जाइए इस session का free PDF उठाने के लिए। और आपने देखा होगा ड्रेनेज और इंडियन रिवर्स के ऊपर अलग से एक सीरीज चालू हुआ है, 2 sessions हो चुके हैं, गुजरात की फेमस रिवर्स रन ऑफ कच्छ के आसपास की और साबरमती और माही रिवर के बारे में डिस्कशंस डिटेल में लिए गए हैं। प्लीज़ फॉलो दैट सेशन। एंड यस, इट इज़ वन एंड द ओनली टाइप ऑफ ड्रेनेज एंड रिवर्स के ऊपर सेशंस जो अभी यूपीएससी स्टैंडर्ड का इस यूट्यूब चैनल पर लिया जा रहा है। तो चलिए पढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स। 13 से 15 मार्च की करंट अफेयर्स, आपको पता है करंट अफेयर्स हम 3 अप्रोच से देखते हैं, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच मेंस के लिए, 360 डिग्री अप्रोच प्रीलिम्स के लिए एंड फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच मेंस के लिए। तो मैं बता दूं, आईएएस टॉपर्स मंत्रा ने लॉन्च किए वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी 2023 एंड 24 एंड 25 एग्जामिनेशंस। तो 2023 के लिए अगर कोई कोर्सेज करने हैं या कोई पीडीएफ चाहिए आपको पेड कोर्सेज के, तो आप 8329637094 या 7038899438 या 7276637094 पर संपर्क कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एटलस निकाल लीजिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकालिए, न्यूज़ नोटबुक निकालिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए। और चलिए सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, ये देखिए न्यूज़ आया है, साइंटिस्ट डिवाइस ग्लोव स्कोप टू ब्रिंग फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी टू स्कूल्स। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 का हिस्सा, और जीएस में प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं बता दूं स्टूडेंट्स, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी ग्लोस्कोप। ये देखिए तो बढ़ चला जाए, देखते हैं इसको और थोड़ा डेफिनेशन भी देखते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का। तो इन 2014 अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज्ड फोल्डस्कोप, अ हैंडहेल्ड माइक्रोस्कोप मेड ऑलमोस्ट एंटायरली आउट ऑफ पेपर व्हिच टेक्स 30 मिनट्स टू पुट टुगेदर एंड व्हिच कुड कैप्चर इमेजेस ऑफ सेल्स। So far, millions of people, especially school children around the world, have taken images of the microscopic world with foldscopes, while dozens of scientific studies have been conducted with the help of the instrument. Its cost only rupees 400. Foldscope mark, very important point. ठीक है, तो आइए देखा जाए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड ये ग्लोस्कोप या फोल्डस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर फोल्डस्कोप डेमोक्रेटाइज द वर्ल्ड्स एक्सेस टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का उसने डेमोक्रेटाइज किया था वर्ल्ड का एक्सेस। नाउ रिसर्चर्स एट विनोना स्टेट यूनिवर्सिटी मिनेसोटा यूएसए हैव क्रिएटेड अ डिजाइन फॉर द ग्लोस्कोप, अ डिजाइन अ डिवाइस दैट कुड डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एटलीस्ट पार्टली सो। इसका मतलब साफ है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के ऊपर बन चुका है फोल्डस्कोप, 400 रुपये में उपलब्ध है, और अब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड ग्लोस्कोप बनने की बात चल रही है। आइए देखते हैं व्हाट इज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यही प्रश्न आएगा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप व्यूज एन ऑब्जेक्ट बाय स्टडिंग हाउ इट अब्सॉर्ब्स रिफ्लेक्ट्स, ये देखिए शब्द देखिए, और स्कैटर्स द विजिबल लाइट, व्हाइल अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप व्यूज एन ऑब्जेक्ट बाय स्टडिंग इट हाउ इट रीएमिट्स लाइट दैट इज अब्सॉर्ब्ड। ओके, तो अब्सॉर्प्शन केवल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग पर अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है उसकी स्टडी करोगे तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर करोगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करके वापस रीएमिट कर रहा है लाइट तो उसे फ्लोरोसेंस कहते हैं। देखिए ये बेसिक प्रिंसिपल है, देखिए तो इसे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी कहेंगे। द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, पार्टिकल्स इन द ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब दिस लाइट एंड री इमिट इट एट अ हायर वेवलेंथ, देखिए दैट इज डिफरेंट कलर, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फ्लोरोफोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है उसके अंदर डालना पड़ेगा, इंजेक्शन से डालना हो या कैसे भी डालना हो पुटअप करना पड़ेगा,
फ्लोरोपोर्स को, फ्लोरोपोर्स आर पार्टिकल्स दैट शो फ्लोरेसेंस। ये देखिए यहां पर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो शो करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स इन्फ्यूज करने पड़ेंगे, इंजेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप स्टडी कर पाएगा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो आपने सर ठीक है, यानी ऑप्टिकल और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में फर्क क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। देखिए व्हेन अ फ्लोरोपोर्स फ्लोरेस अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप कैन ट्रैक देम एज दे मूव इनसाइड एन ऑब्जेक्ट रिवीलिंग द ऑब्जेक्ट्स इंटरनल शेप एंड द फीचर्स। देखिए इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, बिना कुछ इंटरवेंशन किए अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। देखिए यहां पर इसका जेब्रा फिश का देखिए देखा गया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हार्ट हाइंड ब्रेन सब तो मालूम चल गया, अब चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए और ये देखिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देखिए कैसे दिखता है, क्या बात है। देखिए इसे कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दैट यूजेस फ्लोरेसेंस इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन एंड अब्सॉर्प्शन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोथ। ये देखिए तो क्या बात समझ में आई, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए बच्चा लोग, टेल मी। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। नॉन इन्वेजिव वर्ड याद रखिए, नॉन इन्वेजिव तरीके से अगर अंदर का स्ट्रक्चर पता करना है उसके अंदर डाल दीजिए फ्लोरेसेंस, उसके अंदर डाल दीजिए पार्टिकल्स और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ लीजिए। जेब्रा फिश ऐसे स्टडी किया गया, यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो दिस अब आप बोलिए सर ठीक है, ये क्या रिसर्च हो गया है? यस ठीक है, और इसका कीमत लगभग 2500 से 4100 के बीच में होगा। ये देखिए ग्लोस्कोप नाम होगा, अफोर्डेबल होगा, लेकिन मैं बता दूं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ऐसे 1 लाख रुपए से ऊपर मिलता है, लेकिन ये पहली बार अफोर्डेबल बनाया जाएगा स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और यही कहा जा रहा है कि 2500 से 4100 मीन्स अप्रॉक्सीमेट 4000 रुपीज विल बी एबल टू गेट अ ग्लोस्कोप। नाउ दैट इज अ ह्यूज रिसर्च एंड सेटअप कंसिस्ट ऑफ टू प्लेक्सी ग्लास सर्फेसेस एंड एलईडी फ्लैश लाइट। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस इसके बीच में, ठीक है। तो ग्लोस्कोप सेटअप ये देख सकते हैं आप, एंड ग्लोस्कोप क्या ट्रूली एक्सेसिबल है, ये ऑनलाइन भी परचेज हो सकता है, जल्द ही मिल जाएगा आपको अगर इतना ही माइक्रोस्कोपी में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं एक ऑप्शन के रूप में। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? यस यस, मेडिकल एप्लीकेशन ज्यादा हैं इसके प्लांट्स में, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन टू सी अस ग्रीन इज ऑप्टिकल और फ्लोरेसेंस। यहाँ देखिए तरुण, मैं बता दूं आपको दैट रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन की बात नहीं है, री एमिशन की बात है, इसे याद रखिएगा। री एमिशन, अब्जॉर्ब किया स्कैटर किया वो सब जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब ऑप्टिकल में आता है। जो री एमिट किया, री एमिट को देखने के लिए वो जो फीचर है उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। ये मेथड ऑलरेडी यूज होता है? यस होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली आपने सही जाना। मार्स पर रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या ये पता लगाया गया, ठीक है, एक्सरे से, एक्सरे जो री एमिट हो रहा है वहां से। इवन आपने देखा होगा दिस सोलार रेडिएशंस अब्जॉर्ब होते हैं अर्थ से, वापस री एमिट होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ पर। बिल्कुल स्टडी किया जाता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस ठीक है, और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की भी स्टडी होती है, लेकिन यहाँ न्यूज क्यों आया है 4100? ये तो बड़ी बात है ना, मुझे बताइए इतना बड़ा टेक अगर 4000 रुपए में आ जाएगा तो बड़ी बात है स्टूडेंट्स। दिस इज वॉट इज दिस आर्टिकल्स टॉकिंग अबाउट। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। पहला न्यूज समाप्त साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स आजकल। वाई अ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर पेपर इज टर्निंग सो मेनी हेड्स। ये देखिए तो सुपर कंडक्टर, ये देखिए क्या रॉक दिख रहा है, सुपर कंडक्टिविटी। आइए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, आज से ठीक 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के 2 साइंटिस्ट ने कहा था दैट रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी होती है अगर गोल्ड एंड सिल्वर को मिलाकर कंबाइन करके बना दीजिए मटेरियल। स्टिल टू बी वेरीफाइड, लेट मी टेल यू। So what is superconductivity? Phenomenon that so far has been possible only at extremely low temperatures in the range of 100 degrees Celsius below zero. ये देखिए। So what is this? Superconductivity का मतलब होता है zero resistance. That's it. तो मुझे बताइए क्या conduction of electricity में क्या resistance show करते हैं
सारे मटेरियल्स मुझे बताइए, ये देखिए। तो आइए बढ़ चलते, क्या लिखा हुआ है सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये क्या नया न्यूज है, ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वाला वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन आज जो चल रहा है न्यूज ये क्या है, आइए देखते हैं। अ पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट एवरी पावर प्लांट इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब मैं बता दूं, अगर ये वाकई में रूम टेम्परेचर पर निकाल लिया गया, बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो जाएंगे, अच्छा खासा पावर शायद वेस्ट होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। डू यू एग्री, टेल मी द चैट बॉक्स। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए सुपर कंडक्टिविटी, तो ये वही वायर्स एंड केबल्स जो कैरी करते हैं करंट, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, एंड दे बिकॉज ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। फिजिसिस्ट्स डिस्कवर्ड सच मटेरियल्स व्हिच डूज नॉट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, बट फॉर देम वी रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ -250 डिग्री सेल्सियस। नाउ दैट इज इम्पॉसिबल इन द करंट वर्ल्ड। ये देखिए, तो -250 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम बिकम सुपर कंडक्टिव, लेकिन वो तापमान लाने में जान ही चली जाएगी, नहीं मुझे बताइए। तो ना अब देखिए फिजिक्स में अब क्या चल रहा है इसके कारण, कि भाई जितना कम मींस लो, इतने लो टेम्परेचर तो क्रिएट नहीं हो पाएंगे, जीरो के आसपास क्या सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल है कि नहीं, या रूम टेम्परेचर पर अगर ये डिस्कवरी हो गई तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज होगी। मुझे बताइए क्या आप एग्री करते हैं, टेल मी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये पूरे विश्व के रिसर्चर्स अभी पावर सेक्टर में यही कर रहे हैं, और इससे एक और बड़ी बात होगी, क्लाइमेट चेंज पे भी असर पड़ता है बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉसेस। यस, बढ़ता है क्लाइमेट चेंज, एनर्जी लॉसेस चल रहे हैं, शायद वो कंजर्व हो जाएगा। अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है, और इसी रिसर्च में एक खोज, और उस खोज को यहां पर डिस्कस किया गया जर्मनी में। देखिए यहां पर जर्मनी में लैंथनम हाइड्राइड को देखा गया सुपर कंडक्टर है -20 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन मिलियंस ऑफ एटमोस्फियर ऑफ प्रेशर। अब देखिए एक नया कंडीशन, -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मिलियंस ऑफ एटमोस्फियर ऑफ प्रेशर, उतने प्रेशर क्रिएट करने में मालूम चला चले गए हम लोग प्लूटो पर, तो दिक्कत की बात है। ऐसा प्रेशर केवल अर्थ के सेंटर में, तो ये भी तो दिक्कत की बात है, ठीक है। ये जर्मनी में 2019 में कर दिखाया गया था लैंथनम हाइड्राइड के साथ में। अब सवाल ये होता है कि लैंथनम हाइड्राइड या ऐसा कोई मटेरियल, क्या इसमें कुछ और एडिशन से प्रेशर जो इतना ज्यादा चाहिए क्या वो कम हो सकता है? यस, यही देखिए, इसी को लेकर मार्च 8 को यूएस के रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में रिपोर्ट किया, और ये छप गया न्यूज़पेपर में। डिस्कवरिंग रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी नाइट्रोजन डोप्ड ल्यूटेटियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लैंथनम हाइड्राइड ल्यूटेटियम हाइड्राइड, ये दोनों सब्सटेंसेस याद कर लीजिए, इसमें नाइट्रोजन डाला गया है, ठीक है। एंड रफली एट 1000 एटमोस्फियर ऑफ प्रेशर, बोला गया ये तो बहुत इजी हो जाएगा तब। यस, ये देखिए 2018 में जो सुपर हाइड्राइड था, देखिए उसमें दिस -20 डिग्री सेल्सियस पर था, देखिए जो अभी डिस्कवर किया गया है रूम टेम्परेचर पर, दैट्स इट। तो अब कहा गया ओके, मोस्ट मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टर्स ओनली एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, देखिए -250 के नीचे गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, टिन, मर्क्यूरी, लेड, लेड, नायोबियम, ये देखिए ये सब आ सकता है प्रीलिम्स में, कौन कौन से मटेरियल सुपर कंडक्टिंग है। यस, ये देखिए, आइए आगे देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सो नाउ इट्स नाइट्रोजन हैज बीन पुट इन द क्रिस्टल ऑफ ल्यूटेटियम हाइड्राइड बाय डेवलपिंग अ हाई प्रेशर सिंथेसिस प्रोसेस, एंड इट इज बीइंग सेड दैट इट इज अ बिग बिग डिस्कवरी। यस, रूम टेम्परेचर बिना क्रिस्टल को डिस्टेबलाइज किए हुए डिस्कवर किया गया है, लेकिन अब इसका वेरिफिकेशन बाकी है। देखिए ये वही बात हो गई कि मुझे आंसर राइटिंग में, मैं यूपीएससी, मुझे 250 में 250 आ जाएगा, ठीक है, मैंने आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है ना। या ऐसे प्रीलिम्स में पेपर सॉल्व करके आए तो मालूम चला कि मैंने पूछा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो सर हो जाएगा, ओके, मैंने कहा चेक कर लो, नहीं नहीं सर हो जाएगा सर, हम बोल रहे हैं ना, मैंने कहा वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो सर वेरीफाई करते करते मार्क्स नीचे चलते चले गए, तो इसीलिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर ये वाकई में, ठीक है, वाकई में सही निकला तो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, बता दूँ आप। एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो दिस इज द सेकेंड न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूटेटियम हाइड्राइड नाइट्रोजन डोपिंग, दैट्स इट, ठीक है।
और ठीक है, मैं दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकंड न्यूज़। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ स्टूडेंट्स। तीसरा न्यूज़ साइंस एंड टेक के दो न्यूज़ थे। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी पर सवाल आ सकता है मेंस में, इस बार प्रीलिम्स में भी सब्सटेंसेस के ऊपर आ सकता है, रेडी रहिएगा। मराइन हीट वेव्स आर स्वीपिंग द सी फ्लोर अराउंड नॉर्थ अमेरिका। अरे कल मैंने एक ट्विटर पे एक वीडियो देखा, पता है आप लोगों को, एक वीडियो देखा ट्विटर पे, उसमें जोसेफ बाइडेन से किसी ने पूछा, कुछ पूछ रहे थे, वो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, कैन यू एश्योर अस इट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, ये पूछा गया उनसे, तो मालूम चला कि वो चेयर से उठ रहे हैं और मीन्स रिस्पॉन्स भी नहीं है, मुड़े उसके बाद दरवाज़ा ओपन किया और चले गए। द प्रेस रिपोर्टर्स वर लाइक, अच्छा शायद फिर आएंगे। मालूम चला वो उठ के चले गए, अब वो नहीं बात करेंगे। उनके बारे में पहले भी ये फेमस था कि वो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है कि पूरे समय नहीं बैठ पाते हैं। तो इट इज़ बीइंग सेड, ये आप कोई कहिएगा कि सर ये व्हाई हैव यू मेंशन दिस न्यूज़ आउट हियर। ठीक है, इट क्लियरली सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रेस एंड द मीडिया। यस, तो द टॉक्स आर राइप एट प्रेजेंट अबाउट ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस एग्रीमेंट, क्योंकि उसी को लेकर देखिए, पहले वही न्यूज़ देख लिया जाए, क्या यहाँ पर आएंगे, चिंता मत कीजिए। ये देखिए, ए यूके यूएस को लेकर इतना डिस्कशन चल रहा है, देखिए ये देखिए, यहाँ पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कुछ लोग इस जगह पर, हैव अ लुक, तो दिस इज इट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जोसेफ बाइडेन को देखिए, चश्मा पहने हुए बीच में, देखिए देख सकते हैं आप इनको, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ देखिए, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मिस्टर ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भी बोलते होंगे कि भाई नाम खराब बोल दिए थे जब मेरा मीन्स व्हेन आई बिकेम द पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इधर राइट हैंड साइड में देखिए एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये तीनों लोग कहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए पॉइंट लोमा कैलिफोर्निया में खड़े हैं, नेवल बेस। ए यूके यूएस एग्रीमेंट का पहला प्लान अनवील किया गया, शुक्र है कोई प्लान तो फील्ड में आया। ये देखिए, शुक्र है कोई तो प्लान फील्ड में इंप्लीमेंट हुआ, अभी तक लग रहा था केवल ये प्लान बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट लोमा कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये देखिए सैन डिएगो कैलिफोर्निया। ये देखिए, सैन डिएगो इज द लार्जेस्ट नेवल बेस ऑन द पैसिफिक ओशन फ्रॉम द अमेरिकन साइड, मैं बता दूं आपको। ठीक है, सो पॉइंट लोमा इज अ रगेड पेनिनसुला, ये देखिए नियर सैन डिएगो। सैन डिएगो कहां पर है, कैलिफोर्निया में। यस, तो देख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा, बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने हमेशा यूएस के लिए नेवल स्टेशन के रूप में। ये देखिए, तो ये देखिए बहुत खुश नजर आते हुए जोसेफ बाइडेन। जोसेफ बाइडेन का देखिए सेकंड न्यूज, और एक न्यूज है, इतना ही नहीं है, सेकंड न्यूज भी है। जोसेफ बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट को गो अहेड दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खुश तो बहुत होंगे आज, ये देखिए क्यों। यूएस अप्रूव्स विलो ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन अलास्का, व्हाट इज द आउटरेज अराउंड दिस। ये देखिए, इसी प्रोजेक्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म हुआ था और ये प्रोजेक्ट को स्टॉप किया था जोसेफ बाइडेन ने, आते ही वापस गो अहेड दे दिया। ये देखिए, ये विलो प्रोजेक्ट क्या है, देखा जाए स्टूडेंट्स, विलो प्रोजेक्ट है ऑयल ड्रिलिंग इन अलास्का, कौन से बेल्ट में देख सकते हैं आप यहां पर स्टूडेंट्स, ये देखिए दिस इज द बेल्ट, और यहां देखिए दिस नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व, देखिए यहीं पर है ड्रिलिंग एरियाज, देखिए यहीं पर चालू होंगी, आप देख सकते हैं विलो प्रोजेक्ट। द विलो प्रोजेक्ट प्रपोज बाई कोनोको फिलिप्स वुड पंप मोर देन 600 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम फ्रजाइल रीजन ऑफ अलास्कन आर्कटिक ओवर 30 ईयर्स। यू कैन सी इट हियर, विलो प्रोजेक्ट किस फील्ड से रिलेटेड है, और देखिए अलास्का का एक फेमस प्लेस प्रूडहो बे यहाँ पर लोकेटेड, उसके बगल में, मार्क कर लीजिएगा अपने एटलस में, देखिए प्रूडहो बे ऑयल फील्ड पहले से है ब्यूफोर्ट सी के ऊपर। क्या ये क्लियर है, मुझे बताइए, मैप क्लियर हो रहा है, टेल मी। तो आर्कटिक सर्कल गुजरता हुआ अलास्का से, और भूलते हुए जोसेफ बाइडेन अपने ही एक्ट को, क्या उस समय ब्रोका था, अभी गो अहेड दे दिया, पूछा किसी ने कि क्यों गो अहेड दिया है भाई आपने, ये बता दीजिए। ठीक है,
यहाँ देखिए पाइपलाइन सिस्टम भी डेवलप्ड है ऑयल के लिए, देखिए क्या कंडीशन है। और ये कंट्रीज कहती हैं क्लाइमेट चेंज रोको डेवलपिंग कंट्रीज को, क्या बात है। खुद से ही सारा काम करना है, दूसरे को रोकना है, नहीं बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स। और ये ऑयल जाइंट कोनोको फिलिप्स कंपनी का प्रोजेक्ट है। पूछा गया जोसेफ बाइडन से कि क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्यों गो अहेड दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये केस वगैरह कर देगा फिर दिक्कत हो जाएगी, अब गो अहेड दे देते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आवर स्टेट्स हिस्ट्री, ये देखिए अलास्का। अब सवाल ये है यहां से प्रीलिम्स में क्या सवाल आएगा, ऑपरेशन विलो क्या है, ठीक है प्रोजेक्ट विलो, ये कार्बन बॉम्ब है, एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए। ये मेंस के लिए भी कार्बन बॉम्ब बहुत ज्यादा न्यूज आ चुके हैं। तो प्रीलिम्स के लिए प्रोजेक्ट विलो कहां पर है, अलास्का में है, ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है यूएस का, प्रूडो बे के पास में, ब्यूफोर्ट सी के ऊपर, और कार्बन बॉम्ब के ऊपर जीएस पेपर वन ज्योग्राफी में कुछ आ सकता है स्टूडेंट्स, इसे नोट कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मेंस में अटैच कर लीजिएगा इसे वैल्यू एडिशन के रूप में, इट्स अ कार्बन बॉम्ब। देखिए जोसेफ बाइडेन कंट्रोवर्शियल, फियर्स क्रिटिसिज्म, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि क्या हो गया इन्हें, ठीक है। और जोसेफ बाइडेन कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, चश्मा पहने हूं मैं, मुझे नहीं पता मैं अलास्का में हूं या न्यूयॉर्क में हूं या कहां पर हूं, पॉइंट लोमा पे हूं या प्रूडो बे के ऊपर हूं, ये देखिए। आइए और आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, और भी कुछ न्यूज है। शेटलैंड सेंचुरी फाइट्स टू सेव सील्स एज पॉल्यूशन टेक्स टोल, शेटलैंड कहाँ पर है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्कॉटलैंड के नॉर्थ में शेटलैंड आइलैंड, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है शेटलैंड आइलैंड्स, यूके को बिलोंग करता है स्कॉटलैंड के ऊपर में, उसके ऊपर फैरो आइलैंड्स हैं, ये डेनमार्क को बिलोंग करता है, देखिए मार्क कर लीजिएगा, ठीक है फैरो आइलैंड्स मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, डेनमार्क का, शेटलैंड आइलैंड्स यूके का, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है, अब जो भी कह लीजिए अच्छी है या खराब है, सब सब कुछ न्यूज़ में आ गया, इस स्टैटिक पढ़ते थे सब आ गया न्यूज़, शेटलैंड भी आ गया, सॉरी दिस दिस शेटलैंड आइलैंड्स आ गया, फैरो आइलैंड्स आ ही जाएगा आने वाले समय में, कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहेगा। तो कौन से केमिकल्स हैं यहाँ पर जिनके कारण दिक्कत हो रही है, पॉली क्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स पीसीबी, ये देखिए पॉली क्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स मार्क कर लीजिएगा, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस मोस्ट क्रिटिकल केमिकल्स विच आर बीइंग पुश्ड इनटू द ओशनिक एरियाज, और इसके ऊपर न्यूज पहले भी आया हुआ पीसीबीज के ऊपर, ये देखिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सेकेंड न्यूज स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्कटिक ड्रिलिंग एंड ऑल्सो यस द ए यूके यूएस प्रोजेक्ट। आइए एक और भी न्यूज़ आया हुआ है, जाम्बिया मोजाम्बिक के ऊपर एक साइक्लोन हिट किया है, ये देखिए, और ये दो बार हिट किया है, देखिए दिक्कत ये है, अच्छा दो बार हिट किया है कैसे, देखिए इसका कोस्टलाइन भी देखिए कुछ ऐसा ही है, हिट करेगा ही दो बार, नहीं मुझे बताइए। तो ट्वाइस हिट हैज ट्वाइस हिट द फ्रेडी ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज ट्वाइस हिट मोजाम्बिक एंड मालावी, ये देखिए। तो अभी लग रहा था कि परेशानी गई, तब तक दोबारा आ गया, ये देखिए। तो मालावी में अच्छे खासे लोग मारे गए हैं, 199 लोग मर गए हैं मालावी में, डिजास्टर मैनेजमेंट, कैन इंडिया प्ले अ बिग रोल आउट हेयर स्टूडेंट्स टेल मी, यस इंडिया कैन गो ऑन टू हेल्प दीज कंट्रीज आउट हेयर। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोजाम्बिक में एक सी पोर्ट है, क्वेला माने, क्वेली माने इज द सी पोर्ट ऑफ मोजाम्बिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। मोजाम्बिक का एक रीजन लास्ट ईयर पेयर्स में आया हुआ है 2022 में, केबो डेलगाडो, सुना होगा आपने, तो इसे भी मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्विली माने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर दिस ईयर पेयर्स में। नेक्स्ट ये देखिए, इंडिया आर्म्स इंपोर्ट डिक्लाइंस बाई 11%, इंडिया रिमेंड द वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर बट इट्स इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाई 11% बिटवीन 2013 टू 17 एंड 18 टिल 22, स्टॉकहोम बेस्ड डिफेंस थिंक टैंक सिपरी टोल्ड, सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन 1966 इज एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, यूएन का नहीं है ये एजेंसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन टू कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। तो केवल 1966 में इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा, दैट्स इट।
द फाइव लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर वर यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। ये देखिए यूएस रैंक वन, रशिया रैंक टू, इनका लग रहा है इकोनॉमी इसी बेसिस पे चल रहा है और कुछ बन नहीं रहा है। फिर फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। एंड टॉप फाइव इंपोर्टर्स वर, ये देखिए इंडिया, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये देखिए इंडिया, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। पाकिस्तान में पीछे नहीं है, वर्ल्ड्स एट लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। ये देखिए असल में पाकिस्तान उधारी पे सब कुछ उठाता है, ठीक है, क्यों उधार पे क्यों उठाता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो किससे उधार पे उठाएगा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कौन है देश जो उसे उधारी देगा, उधार नहीं देगा इस बदले में जमीन छीन लेगा, मुझे बताइए द चैट बॉक्स। तो दिस इज इट अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज। आइए वापस चलते हैं इकोलॉजी एनवायरमेंट के न्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स, देखा जाए क्या क्या न्यूज आए इकोलॉजी एनवायरमेंट के ऊपर। ओके, साइंस एंड टेक हो गया, आईआर हो गया, लेट शिफ्ट टू इकोलॉजी एनवायरमेंट न्यूज। इसमें पहला न्यूज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मराइन हीट वेव्स आर स्वीपिंग द सी फ्लोर अराउंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मराइन हीट वेव ओशन के अंदर पाया जाने वाला, और इसके कारण, ठीक है, इसके कारण वहां की बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हीट वेव्स कैन रिजल्ट इन ह्यूज एल्गल ब्लूम्स, यूट्रॉफिकेशन, डेड जोन्स। जानते हैं आप लोग, मुझे बता दीजिए, ये याद रखिएगा, सवाल निकल सकता है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी। हीट वेव्स टेरेस्ट्रियल, हीट वेव्स मराइन, दोनों में अलग अलग फर्क। और यहां देखिए लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए, दे फाउंड दैट दिस बॉटम हीट वेव्स सी बेड पर है, ठीक है, रेंज फ्रॉम 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स एंड कुड लास्ट मोर देन 6 मंथ्स, मच लॉन्गर देन हीट वेव्स एट द सर्फेस। ओशन में भी सर्फेस पे हीट वेव और सी बेड के नीचे में बॉटम में हीट वेव, 6 मंथ्स तक बॉटम में हीट वेव्स रह सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहां पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड कैन रिजल्ट इन ह्यूज एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स कहां कहां हुआ है मुझे बताइए, ओशनिक एरियाज में, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा एल्गी ब्लूम किया है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो बच्चा लोग बाद में देखेगा वो लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, विच एल्गी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्गल ब्लूम और यूट्रॉफिकेशन इन अरेबियन सी 3 years बैक। तो यही लिखा हुआ है। अब ये कहां पर सबसे ज्यादा है, गल्फ ऑफ अलास्का के आसपास सबसे ज्यादा ये पाया गया है, गल्फ ऑफ अलास्का के आसपास के लिए। तो ये वैल्यू एडिशन, हीट वेव्स के ऊपर सवाल मेंस में, जीएस पेपर वन ज्योग्राफी में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। यस, नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस इज द आंसर, यस करेक्ट। नेक्स्ट, आईपीसीसी मीट इन स्विट्जरलैंड, द सिग्निफिकेंस, लाइकली इंपैक्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देखिए आईपीसीसी 1988 में बनाया गया था, इसके द्वारा वर्ल्ड मिटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए। ये देखिए प्रीलिम्स में आ सकता है स्टूडेंट्स, कौन से दो एजेंसी ने बनाया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स 2007 में नोबेल पीस प्राइज से दिया गया। आईपीसीसी इज द रिसर्च बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये देखिए साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसके लिए रिसर्च बॉडी है, और आईपीसीसी रिलीज करता है असेसमेंट रिपोर्ट्स। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, एवरी 5 or 6 years। ये देखिए इसमें तीन असेसमेंट रिपोर्ट्स हर 6 साल में निकलते हैं, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके अंदर बैठे हुए रहते हैं। ये असेसमेंट रिपोर्ट्स 3 volumes में निकलते हैं। ये देखिए पहला वॉल्यूम वर्किंग ग्रुप 1 फिजिकल साइंस बेसिस, वर्किंग ग्रुप 2 इम्पैक्ट्स अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, वर्किंग ग्रुप 3 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये देखिए तीन अलग अलग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ये देखिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इस रिपोर्ट्स। तो वही अभी न्यूज क्या आया है देखा जाए, न्यूज हैज कम अप दैट सिंथेसिस रिपोर्ट तैयार कर रहा है आईपीसीसी। सिंथेसिस रिपोर्ट पिछले तीनों रिपोर्ट्स का सिंथेसिस है, ठीक है, और देखिए 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाला था उसने, ठीक है, तो बस उसी का कलेक्टिव वर्क, ठीक है, अभी निकाला जाएगा। सिंथेसिस रिपोर्ट इज सपोज टू बी अ रिलेटिवली नॉन टेक्निकल समरी ऑफ द प्रीवियस रिपोर्ट्स एम्ड लार्जली एट पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड। नॉन टेक्निकल, बट टेक्निकलिटीज नहीं रहेंगी, एक जनरल पॉलिसी मेकिंग के लिए एक सिंथेसिस रिपोर्ट है, सिंथेसिस रिपोर्ट भी निकलता है, इसे याद कर लीजिए। दैट्स इट, ओके, दैट्स इट।
रिपोर्ट में कुछ नया नहीं आएगा, लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, ठीक है। इट्स अ नॉन टेक्निकल समरी ऑफ द प्रीवियस रिपोर्ट्स, ऑल द सिक्स रिपोर्ट्स एम्ड एट पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये तैयारी चल रही है रिवीजन के लिए, सबको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। जैसे आप रिवीजन के लिए एक नोट्स तैयार करते हैं, यहाँ जोसेफ बाइडेन को रिवीजन के लिए दिया जाएगा ऑल सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट्स का एक समरी, ठीक है। या शॉर्टकट है यार, पढ़ लो कम से कम, इसी बहाने कुछ तो पॉलिसी बना दो। चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, आईपीसीसी आपको मालूम चल गया, आईपीसीसी का रिपोर्ट्स मालूम चल गए, प्रीलिम्स में आ सकते हैं इसकी डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, वेदरमैन सीज हॉटर समर फॉर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। अब क्या कहा जाए, कोई नई बात नहीं है। इंडो गंगा प्लेन्स में मैसिव हीट एक्सपेक्टेड, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, और वो भी लास्ट वीक ऑफ मार्च में भीषण गर्मी पड़ने वाली है इंडो गंगा दिस द गैंगेटिक प्लेन्स में कहा जा रहा है, एंड राइट टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया। तो इस पर तो कुछ ना कुछ, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का बनाना पड़ेगा एक एक्शन प्लान, हीट वेव्स के लिए भी देखिए। इसके पहले क्या डिजास्टर मैनेजमेंट ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या एक्शन प्लान बनाया था? यस, ये देखिए, द नेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव्स, ये देखिए तरुण सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, दोनों रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट्स। लेकिन ये सिंथेसिस रिपोर्ट आईपीसीसी का, ऑल सिक्स रिपोर्ट्स एट वन प्लेस, क्या चल रहा है लास्ट 20 ईयर से, 25 ईयर से, दैट्स इट। तो ये देखिए, सवाल आता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टिल नाउ इंडिया टिल नाउ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज नॉट रिलीज एनी एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीट वेव्स। रॉन्ग, 2016 में रिलीज किया था, 2017 में रिलीज किया था, 2019 में रिलीज किया था, तीन बार रिलीज किया गया है, चौथी बार रिलीज इस साल होने वाला है। इज इट क्लियर, मुझे बताइए। और ये देखिए, दिस मींस यहां से केवल इतना ही जरूरी है, हीट वेव्स का एक्शन प्लान पहले भी रिलीज हो चुका है इंडिया में। एंड लास्ट देखिए, पर्पल रेवोल्यूशन देखिए, लेवेंडर देखिए, बहुत ज्यादा खेती कहां पर होती है मुझे बताइए, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। ये पहले भी न्यूज में आया हुआ है। So this was all regarding the news related to ecology environment. Let's shift to the next topic, students. Quality. Quality का news आया है. The rise of ESG regulations. आइए देखते हैं. Environment, social and governance regulations. क्या बात है? नया concept CSR के आ गया concept. So how is ESG regulations different from CSR regulations? Mains का सवाल निकल गया यहीं पर. देखिए. Let's see. The story so far, over the last decade, regulators and corporations around the world have embraced the idea that business should be measured not just on traditional economic metrics such as returns of shareholders, but also by their environmental impact, commitment to social issues, and soundness of their corporate governance. While this development is partially due to the belief that companies have a distinct responsibility as corporate citizens, the main driver is the realization that environmental, social, and governance considerations need to be included by investors. कंपनीज रिस्क प्रोफाइल, आप एग्री करते हैं कि नहीं मुझे बताइए। एक कंपनी को अपना इंपैक्ट मेजर करने के लिए, बिजनेस का इंपैक्ट मेजर करने के लिए, केवल ये नहीं देखना है पैसा, रिटर्न्स नहीं देखने हैं, देखना यह भी चाहिए कि उसने समाज को क्या दिया, पर्यावरण पर क्या असर डाला, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस कैसी चल रही हैं। इसी को लेकर ईएसजी रेगुलेशंस इवॉल्व कर रहे हैं लास्ट वन डिकेड से, अभी नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, लेकिन इवॉल्व कर जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स इन नेसेंट स्टेज स्टिल, ठीक है। आइए बढ़ चला जाए, दोनों में क्या फर्क है, सीएसआर और ईएसजी में। इंडिया हैज अ रोबस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी दैट मैंडेट्स दैट कॉर्पोरेशंस एंगेज इन इनिशिएटिव्स दैट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। द मैंडेट वॉज कोडिफाइड इन टू लॉ विद द पैसेज ऑफ 2014 एंड 21 अमेंडमेंट्स टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। द अमेंडमेंट्स रिक्वायर कंपनीज विद अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $60 million और मिनिमम टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $120 million और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ इन एनी गिवन फाइनेंशियल ईयर स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 years। ये देखिए ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, ये पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीएसआर रेगुलेशंस। ये देखिए ईएसजी ऑन अदर हैंड डिफर इन प्रोसेस एंड इम्पैक्ट। The UK Modern Slavery Act, for example, requires companies with businesses in the UK
एंड विद एनुअल सेल्स ऑफ मोर देन 36 मिलियन पाउंड्स टू पब्लिश द एफर्ट्स दैट दे हैव टेकन टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिस्क ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर डेट बॉन्डेज इन द सप्लाई चेन एस्टैब्लिश इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स इवेलुएट सप्लायर कंप्लायंस एंड टू ट्रेन सप्लाई चेन मैनेजर्स रिगार्डिंग दीज इश्यूज। क्या बात है, CSR का मतलब केवल, अरे कितना प्रॉफिट अर्न किया उसका यार, इतना 2% जाकर वहां पर लगा दो कोई चीज, स्कूल बना दो तब भूल जाओ, ठीक है फैन लगा दो विलेज में भूल जाओ, सोलार पैनल लगा दो भूल जाओ। यहां पर ESG रेगुलेशंस UK में देखिए कैसे हैं, अपने सप्लाई चेन के अंदर स्टडी करना है, उसे मिनिमाइज भी करना है। अगर कुछ भी चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रमोट कर रहा है, डेट बॉन्डेज प्रमोट कर रहा है और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसी है, ये सब चेक करना है। इसका मतलब साफ है, CSR इज आउटवर्ड, ESG इज इनवर्ड। ये देखिए, द EU सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन रिक्वायर्स बैंक्स, पेंशन फंड्स, एसेट मैनेजर्स एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू डिस्क्लोज हाउ दे हैव इंटीग्रेटेड सस्टेनेबिलिटी रिस्क इनटू देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या बात है, यानी ये पैसा दे के तुम निकल जा रहे हो CSR में, यहां पैसा दे के नहीं निकलना है, अंदर में क्या चेंजेस है, इंट्रेंसिक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये करना है। देखिए क्या ये बड़ी बात है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। इंडिया हैज लॉन्ग हैड अ नंबर ऑफ लॉज एंड बॉडीज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज इंक्लूडिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लेबर कोड्स, लॉ गवर्निंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड पेनल्टी फॉर वायलेशंस कैन बी सब्सटेंशियल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ESG पर एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी, अब जरूरत पड़ रही है लाने के लिए। ये देखिए, व्हाइल दिस लॉज एंड बॉडीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड्स, न्यू इनिशिएटिव्स इन इंडिया गो फर्दर, एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस दैट एम्फसाइज मॉनिटरिंग, क्वांटिफिकेशन, डिस्क्लोजर अकिन टू ESG रिक्वायरमेंट्स फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल, SEBI रिस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन ESG इन्वेस्टिंग एंड द डिमांड बाई इन्वेस्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ESG रिस्क, substantially revised the annual business responsibility and sustainability report required by the 1000 largest listed companies in India. In this report, SEBI went for a notable departure from previous disclosure requirements, which are aligned with evolving global standards and places considerable emphasis on quantifiable metrics to allow companies to engage meaningfully with stakeholders and to enhance investor decision making. Iska matlab saaf hai. अब कह रहा है SEBI कि आप कंपनी हो ना, पहले आप डिस्क्लोजर रिपोर्ट करते थे, ठीक है अपना क्या प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये भी लिख के बताओ कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितना हो रहा है आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी कितना जेंडर डाइवर्सिटी एंड सोशल डाइवर्सिटी प्रमोट कर रही है, जेंडर डिस्पैरिटी कैसे कम कर रही है, ये सब बताओ मुझे, बताइए क्या ये मॉनिटरिंग हो गया इंटरनल मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी क्रूशल डिपार्चर। इसका मतलब साफ है, अब ESG रेगुलेशंस में कंपनीज को इंटरनल ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा। यस, चेंजेस करने पड़ेंगे, डीपर कंसेप्ट चेंज करने पड़ेंगे। बातें समझ में आ रही हैं मुझे, चैट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स, और शायद इसी से चेंज होगा पूरा जो आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेट्रिक्स टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स द गवर्नेंस। डू यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए। तो CSR आउटवर्ड था, ESG इनवर्ड है। CSR क्वांटिफाइबल केवल 2%, इतना पैसा दे दीजिए। ESG डिस्क्लोजर्स है, CSR पे लॉ बना हुआ है, ESG पे कोई लॉ नहीं बना है। CSR हैज इवॉल्व इन इंडिया, ESG इज स्टिल इन इन्फेंसी स्टेज इन इंडिया। ESG में इट्स मोर डाइवर्स, इट्स मोर इंट्रिकेट एंड द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गिव मोर डिस्क्लोजर्स, दैट्स इट। It's not superficial, it's in depth. That's it. ESG सवाल मेंस में निकल सकता है, GS paper 2 polity में। How is ESG regulations different from CSR regulations? 10 marks 150 words लिख लीजिएगा। Corporate में interference हो जाएगा? नहीं, लेकिन interference नहीं किया जा रहा है, पूरा यार disclose कीजिए, बता दीजिए जनता को। आप TCS हैं, आपके यहाँ ग्रीन हाउस गैस emissions को लेकर क्या क्या steps लिए गए बताइए जनता को, जनता invest करेगी। ठीक है, अभी तक प्रवीण, अभी तक कंपनी लॉ नहीं, इसमें बनाया नहीं गया है, बोला जा रहा है कि अब SEBI ने पहली बार डिस्क्लोजर में इसे पुट किया है, वो तरीके से पुट करेगा ना,
प्रेशर नहीं पुट करना है, बस जनता को बताना है देखो भैया ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर रहे हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं, ये तापमान बढ़ा है, ये तापमान कम कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, अब आप देखिए कहाँ इन्वेस्ट करना है। बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दिस आउट हियर, इट्स नॉट अबाउट इंटरफियरिंग, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग देम मोर अकाउंटेबल, ठीक है। मुझे बताइए क्या ये होना जरूरी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड गो फॉर दिस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बता दूं आपको क्या होता है ना, अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर कंसेप्ट आया था और वुमेन डायरेक्टर को लेकर, सबने ऐसे ही डायरेक्ट वुमेन डायरेक्टर ऐसे ही मेकशिफ्ट वहां बैठा दिया और कहा कि हाँ यस हम लोगों ने जेंडर पैरिटी लाने के लिए स्टेप लिया है। अरे भाई अच्छे से डिस्क्लोज कीजिए कि क्या प्रोसेस रहा है अपॉइंटमेंट का, बताइए सब कुछ, जेंडर पैरिटी ऐसे सुपरफिशियल नहीं आता है। इट्स लाइक दिस मेकिंग देम, अब शेयर मार्केट में हो या कहीं भी बॉन्ड डिबेंचर्स हो तो कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैसे स्टेप ले रहे हैं, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं पैसा, दैट्स इट। ESG कहीं बेहतर होगा स्टूडेंट CSR से? मेरे हिसाब से CSR तो एक बन गया था कोरम, मीन्स एक रूल बन गया था, एक प्रोसेस बन गया था, मीन्स एक बहाना बन गया था कि कुछ काम कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, 2% पैसा लगा दे रहे हैं, काम खत्म हो गया, नहीं? यस यस, वुमेन डायरेक्टर को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे अभी रिसेंटली, जब उदय कोटक कमेटी ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रेफरेबली वुमेन डायरेक्टर शुड बी कैप्ट ऑन बोर्ड, उसके बाद देखिए इंडिया में सब जुगाड़ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये था स्टूडेंट्स पॉलिटी का ये न्यूज़, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जिस इकोनॉमी में कुछ न्यूज़ आया स्टूडेंट्स, देखिए इकोनॉमी में क्या, इंटरेस्ट रेट, एग्रीकल्चर ट्रेड और ई नाम फाइनली गैदर स्पेस, ये देखिए। तो ई नाम पर, ई नाम आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सवाल UPSC 2016 में पूछा हुआ प्रीलिम्स में, जब ये इंप्लीमेंट किया गया और अब जाकर डिजिटलाइजेशन के बाद पेस गैदर कर रहा है इसमें, देखिए हैव अ लुक। इसके अलावा इस लिंक बिटवीन मॉनसून एंड क्रॉप प्रोडक्शन वीकेंस, इसका मतलब साफ है अब मॉनसून का इंपैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट में पब्लिश किया है, देखा जाए क्या वाकई में सही है या नहीं, ये साल बताएगा। तो स्टेट वाइज डिपेंडेंस ऑन इरिगेशन, पंजाब 95%, हरियाणा 90%, उत्तर प्रदेश 75%, देखिए यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि ये आ सकता है स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इरिगेशन के लिए कौन से स्टेट में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और UP में है। क्रॉप वाइज सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किसका है, शुगर केन का है, व्हीट का है, ये देखिए। और शुगर केन का आपने पढ़ा हुआ है मोस्ट इनिफिशियंट क्रॉप इन वाटर, ये आया था इस बार 2022 के प्रीलिम्स में, ये देखिए। तो कहा जा रहा है कि अब मानसून का असर, यानी मानसून और क्रॉप्स पे जो रिलेशन था वो खत्म हो गया है, क्योंकि कशन क्रिएट हो गया, ये क्रॉप्स पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, कशन क्रिएट हो गया बीच। अब कशन का मतलब रिजर्वायर्स हो सकते हैं, कशन का मतलब ये भी हो सकता है, मीन्स कशन का मतलब क्या है कि असर नहीं पड़ रहा, बफर हो गया बीच में, पानी उसका स्टोर किया गया हो सकता है, सीड्स ऐसे हो जो पानी कम लेते हो, ठीक है, वाटर गजनिंग क्रॉप्स कम हो रहे हो, दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट, तो ये बस वैल्यू एडिशन में पुटअप कीजिएगा, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में मानसून और क्रॉप प्रोडक्शन का लिंकेज कम हो रहा है, अच्छी बात है ना, ये हमारे वैगरीज ऑफ मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट न्यूज, बैड लोन्स डाउन, विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट शूट अप, यहाँ सवाल निकलता हु इज अ विलफुल डिफॉल्टर, देखिए एज पर द RBI क्लासिफिकेशन, देखिए विलफुल डिफॉल्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफिकेशन नहीं दिया, RBI ने दिया, ये देखिए। As per the RBI classification, a willful defaulter would be deemed to have a willful default would be deemed to have occurred if the borrower has defaulted in meeting their repayment obligations to the lender, even when they have the capacity to honor the said obligation. तो ये important definition RBI के तरफ से, बाद में मत कहिएगा कि आपने RBI के ऊपर focus नहीं किया सर, RBI ने दिया definition, a willful default will be deemed to have occurred if the borrower has defaulted in repaying to the lender even when he had the capacity, that's it. So bas wahi hai students, willful defaulter sabse zyada SBI mein hai, followed by aap dekh sakte hain amount ko lekar, theek hai, bade bade loan accounts hain, theek hai, to acche khase purane accounts hain yahan par, bas itna hi likha hua hai willful defaulter ke definition mein, theek hai।
इसके अलावा देखिए लास्ट न्यूज़ आज का, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स. सिलिकॉन वैली बैंक विच कोलैप्स लास्ट वीक वाज अ हिट एज अ बैंकिंग पार्टनर अमंगस्ट टेक स्टार्टअप्स स्पेशली इन द यूएस. और ये देखिए, द फाउंडेड इन 1993 सिलिकॉन वैली बैंक बिकेम अ पॉपुलर पिक ऑफ द यूएस स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर इट्स बैंकिंग नीड्स ड्यूरिंग कोविड ईयर्स व्हेन स्टार्टअप वैल्यूएशन सोर्ड. एसवीबी सॉ इट्स टोटल डिपॉजिट्स ग्रो बाय 65 बिलियन डॉलर्स टू 145 बिलियन डॉलर्स. ये देखिए 2 साल के अंदर. और उसके बाद बैंक बंद होने की कगार पे पिछले हफ्ते, रेगुलेटर्स फाउंड दैट एसवीबी हैड अ नेगेटिव कैश बैलेंस ऑफ अराउंड 958 मिलियन डॉलर्स लास्ट वीक. दिस इवेंट्स कॉज्ड अ बैंक रन एंड एसवीबी वाज शट डाउन विद द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एज इट्स रिसीवर. तो डिपॉजिटर्स को पूरा डिपॉजिट मिल जाएगा, डेडलाइन नहीं दिया यूएस ने. ये देखिए एसवीबी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दिस वन आउट हियर. तो सिग्नेचर बैंक भी शट डाउन किया गया है, ठीक है. जिनका जो जो बैंक्स का एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी की तरफ था वो सब लॉस सहन कर रहे हैं एट प्रेजेंट. वैसे 2008 की तरह ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, मैं बता दूं आपको, ठीक है. गेटिंग द पॉइंट. तो ये देखिए दिस एसवीबी एंड सिग्नेचर बैंक बोथ हैव कोलैप्स्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सपोजर्स. क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कितना चल रहा है स्टूडेंट, 20,000 डॉलर्स के नीचे आ गया है. कहा जा रहा है अगले 1 से 2 महीने में $4,000 के नीचे. कभी 67,000 डॉलर्स के ऊपर गया था प्राइस इसका. क्या ये चिंता की बात है, मुझे बताइए. तो जिसका भी एक्सपोजर था चिंता की बात, नेगेटिव कैश बैलेंस एंड बहुत दिक्कत में. देखिए बैंक के पास जब कैश होता है, कैश सही जगह लगना चाहिए. बैंक का काम ही होता है सही जगह लगाकर इंटरेस्ट अर्न. अगर बैंक का कैश गलत जगह लग गया और लॉसेस हो गए तो उसका असर पड़ता है, ठीक है, उसका असर पड़ता है डिपॉजिटर्स के ऊपर. और अब यूएस की तरफ से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये देखिए वो कह रहा है कि मिल जाएगा, यूएस अथॉरिटीज कह रहे हैं कि मिल जाएगा डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट. लेकिन चिंता की बात चल रही है स्टूडेंट्स, इसका असर इंडिया के शेयर मार्केट पर पड़ा है. देखिए स्वस्थ होता शेयर मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ध्वस्त होते हुए. निफ्टी का कहा गया था कि 17,500 पर रेजिस्टेंस है, उसके नीचे नहीं आएगा. लेकिन और नीचे आता हुआ कहा जा रहा है 15,000 तक भी निफ्टी देख सकता है कमिंग डेज में इंडेक्स. ये देखिए तो यही है स्टूडेंट्स यहां पर न्यूज. इकोनॉमी में विलफुल डिफॉल्टर, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड ई नाम. और इसके अलावा आपने पढ़ा सिप्री का आर्म्स इंपोर्ट. उसके अलावा पॉइंट लोमा पर जोसेफ बाइडेन चश्मा पहने हुए, ठीक है, और भूलते हुए कि उन्होंने अलास्का में प्रोजेक्ट गो अहेड दे दिया. इसके अलावा साइक्लोन फ्रेडी स्टॉर्म करता हुआ क्वेली माने में मोजाम्बिक में. इसके अलावा शेटलैंड आइलैंड्स और फेरो आइलैंड्स न्यूज में, शेटलैंड आइलैंड्स के आसपास का सेंचुरी. उसके अलावा देखिए आर्कटिक ओशन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हुए कि आखिर में मेरा प्रोजेक्ट गो अहेड मिल ही गया, विलो प्रोजेक्ट. ये देखिए और ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा दिस आपने पढ़ा ईएसजी और एसआर के बीच में डिफरेंसेस. और उसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हीट वेव्स के ऊपर पहले भी गाइडलाइंस आए हैं, पहले भी आईपीसीसी का रिपोर्ट भी देखा हम लोगों ने, आईपीसीसी कब बनाया गया था हम लोगों ने देखा, ठीक है. और उसके अलावा स्टूडेंट्स हीट वेव्स के अलावा आपने अभी सुपर कंडक्टिविटी की जानकारी हासिल की आज, ठीक है. सुपर कंडक्टिविटी पे जो भी रिसर्च करके आगे बढ़ेगा वो नया राजा होगा इस पृथ्वी पर. मैं बता दूं एनर्जी के, क्लाइमेट चेंज से लेकर एनर्जी सेक्टर सब कोई उसे इतना अमीर बना देगा. लेकिन का ये मतलब नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी छोड़कर सुपर कंडक्टिविटी पर लग जाइए, नहीं, ठीक है, उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए. और इसके अलावा आपने पढ़ा स्टूडेंट्स आज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में फ़र्क कैसा रहा सेशन, मुझे बता दी. बस आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स. नमस्कार, जय हिंद. IAS टॉपर्स मंत्रा पर आकर उठा ले जाइए सेशन का फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर. तो एंड करते हैं यहीं पर स्टूडेंट्स. नमस्कार, जय हिंद. बस मिलते हैं शाम को एक और सेशन में ड्रेनेज और रिवर्स के ऊपर. ड्रेनेज और रिवर्स के ऊपर एक छोटा सेशन रहेगा आज.
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर देखेंगे हम लोग नर्मदा एंड तापी, और माही एंड साबरमती का सेशन जरूर से बताइए कैसा रहा है। ठीक है, दैट्स इट, टेक केयर।